देश में लोकसभा चुनावों के चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसके लिए शनिवार से चुनावी प्रचार प्रसार पूरी तरह से थम गया है। चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा। शनिवार को 5 बजे चुनावी प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशी घर घर जाकर के अपने पक्ष में मतदान की अपील कर सकते हैं। आचार संहिता की पालना के लिए निर्वाचन विभाग पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश में 29 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए रविवार को पोलिंग पार्टियां ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को लेकर के मतदान केंद्रों पर पहुंचेगी। इसके बाद सोमवार 29 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। साथ ही अनंत कुमार ने कहा कि प्रदेश में मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए निर्वाचन विभाग ने पूरी व्यवस्था कर ली है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश से मतदाताओं से अच्छा ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्र पहुंचकर के मतदान करने की अपील की। इस दौरान अनंत कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। 13 जिलों में तो 13 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। 29 अप्रैल को मतदान होना है और चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी किस तरह अपना चुनाव प्रचार कर सकेंगे, हमारे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार है। सर, चुनाव प्रचार थम चुका है, अब प्रत्याशी किस तरह अपना प्रचार कर सकेंगे? देखिए, प्रत्याशी जो है घर घर जाकर के प्रचार कर सकते हैं, कहीं पर भी सभा नहीं हो सकती है, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, और जो व्यक्ति वहाँ का वोटर नहीं है उसको स्थान छोड़ के भी जहाँ के रहने वाले वहाँ पर उसको जाना होगा। इसके बारे में सभी को निर्देश हैं और सभी जो हैं जिला निर्वाचन अधिकारी इस पे इसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। इस बार इलेक्शन कमीशन काफी सख्त था और मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं इलेक्शन कमीशन? देखिए, हमारी ओर से विभिन्न जो हैं इसमें प्रयास किए गए हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारी स्वीप की गतिविधियां हैं, इसके तहत अलग अलग जिलों के अंदर सबसे पहले तो ऐसे मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया जहाँ पर कि मतदान का प्रतिशत पहले कम रहा है, उसके कारण जानने की कोशिश की गई, उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है वो तैयार करके उनको एड्रेस किया गया है, और हमने ईवीएम और वीवीपैट का प्रचार भी किया है, चुनाव के बारे में जानकारी भी दी है, और 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसको विटनेस किया और मॉक पोल के द्वारा भी इसमें वोट डाल करके देखे गए हैं, तो काफ़ी लोगों को फेमिलराइज जो है इससे कर दिया गया है, और ये भी जानकारी दी गई कि किस तरह से ये लोकतंत्र का महोत्सव है और हम सभी को मिलकर के इसको मनाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर घरों से निकल के मतदान केंद्र पर पहुंच के अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। सर, अभी भी प्रदेश भर में काफी संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र है, तो निर्वाचन विभाग की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, वहां पे हमारी सुरक्षा की माकूल व्यवस्था रहती है, जो पैरामिलिट्री फोर्स हमें मिली है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए स्टेट पुलिस के साथ मिलाकर के उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है, और बाकी स्थानों के ऊपर हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो हमारे वीडियोग्राफर्स हैं उनको और वेबकास्टिंग के माध्यम से हमने व्यवस्था की है, और कहीं पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत जो है नहीं आनी। सर, अंतिम सवाल, आप प्रदेश के मतदाताओं को 13 लोकसभा क्षेत्रों में जो मतदान होगा, प्रदेश मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मतदाताओं को मैं यही संदेश देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचें और इस लोकतंत्र के महोत्सव में अपना सहयोग दें और अपने मत का प्रयोग करें। तो ये थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि निर्वाचन विभाग की ओर से पूरी तैयारी की गई है, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो या गर्मी के मौसम को देखते हुए हो या मतदाता को बिल्कुल बेझिझक होकर मतदान करने की अपील इन्होंने साफ तौर पर की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी मिश्रा के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।